गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हमने पूर्ववर्ती वीडियो में जो है आपको दिल्ली सल्तनत के जितने शासक हुए उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण किस प्रकार हुआ, ठीक है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में उसका निर्माण करवाया गया। इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है आपको रजिया सुल्तान भी बताई और बलबन का जो है राजत्व सिद्धांत भी मैंने आपको बताया कि लौर रक्त की नीति उसने किस प्रकार दी। लेकिन आज हम कक्षा 10 के अंदर सोशल साइंस के भाग में खिलजी वंश साम्राज्य को पढ़ेंगे, जिस खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक भारत के अंदर रहा, ठीक है। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी रहा, ठीक है, 1290 से 1296। इसका संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक इनका शासन रहा, ठीक है, जो 70 वर्ष तक रहा, ठीक है। आगे देखो आप, जो 70 वर्ष का था, कितने वर्ष का था ये, इनकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष की, 70 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन किया, किन्होंने? जलालुद्दीन खिलजी ने। आगे देखो, इनके भतीजे और दामाद, अलाउद्दीन खिलजी इनका क्या था, इनका भतीजा या हम इसको कह सकते हैं दामाद, भतीजी या दामाद, क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में क्या कर दिया? धोखे से हत्या करवा दी। किनकी? जलालुद्दीन खिलजी की। किन्होंने हत्या करवा दी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 तक रहा, 70 वर्ष की आयु के थे उस समय। इसके बाद उनके भतीजे या दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन, क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या करवा दी, ठीक है। आगे देखो, और स्वयं क्या बन बेटा? सुल्तान बन बेटा। आगे देखो, इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बेटा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अनेक सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा की जाती है। अलाउद्दीन का शासनकाल जो है 20 वर्षों तक रहा भारत के संदर्भ में, और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई परिवर्तन किए अपने राज्य में, ठीक है, उनकी चर्चा होती क्योंकि बहुत ज्यादा फेरो बदल किया था उन्होंने। आगे देखो, उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के नाम से किया। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिक्के जारी किए उस सिक्कों पर क्या नाम मिलता है? मैं आपको बताना चाहता हूं उनके सिक्कों पर क्या नाम मिलता है? सिकंदर द्वितीय, या यूं कह सकते हैं द्वितीय सिकंदर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके शासनकाल में कश्मीर और बंगाल शामिल नहीं थे। पहली चीज, अलाउद्दीन खिलजी के जो जितना भी साम्राज्य था भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर, उनमें बंगाल और कश्मीर क्या नहीं थे? उनके क्षेत्र में नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत, याद रखिएगा, गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। पहला अभियान गुजरात का जो बघेला राजपूत था उसका नाम था राजा राय कर्णदेव। गुजरात का जो बघेला वंश का राजपूत था राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया अलाउद्दीन ने 1301 में। कहां पर? किसको जीता? रणथंभौर को। और 1303 में चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1301 में रणथंभौर, जीता, और 1303 में, 1303 में क्या जो जीता? चित्तौड़ का दुर्ग। 1303 में किसको फतेह किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग को, जबकि पहले उसने 1301 में रणथंभौर के दुर्ग को क्या किया? अपने अधिकार में लिया, ठीक है।
चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे लूटा, लूटा भी सही, राजकीय कोष को भी लूटा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां से अपार धन संपदा मिली लूट के दौरान, ठीक है। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई, साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानायक, मतलब हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम धर्म को अपनाया, उस सेनानायक का नाम था मलिक काफू। गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को एक सेनापति मिला, उसका नाम था मलिक काफूर, जिसने जो पहले हिंदू धर्म का था और हिंदू धर्म को त्याग कर उसने मतलब धर्मांतरित मुस्लिम धर्म ग्रहण करके अलाउद्दीन खिलजी का जो क्या बना, सेनानायक बना, सेनापति बना, ठीक है। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया उस समय मलिक काफूर का बहुत बड़ा योगदान रहा। यूं कह सकते हैं कि मलिक काफूर अगर नहीं होता तो दक्षिण भारत को जो है यह फतह नहीं कर सकता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखो आप, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, लोयशल राज्य एवं पांडे राज्य पर क्या किए बेटाओ, आक्रमण किए। इन राज्यों को अपने अधीनस्थ किया। किनकी सहायता से? अलाउद्दीन ने मलिक काफूर की सहायता से। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। काफूर कहां तक पहुंचा? जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनर्निर्मित किया गया, मतलब जो राजस्व का ढांचा था, संस्था का ढांचा था, उसमें फेरोबदल किया गया, उसके नए नियम कानून कायदे इसके द्वारा बनाए गए। राजत्व में विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने चार आदेश जारी किए। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या आदेश जारी किए? चार प्रकार से आदेश जारी किए गए कि अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। पहला आदेश क्या था कि जो अमीर वर्ग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और राजस्व में उनको क्या किया जाए, काउंट कर लिया जाए, मतलब उसके राजस्व के अधीन कर लिया जाए अमीरों की संपत्ति को, ठीक है। और एवं कालसा भूमि मतलब राजकीय भूमि। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कालसा भूमि किसको कहते हैं। कालसा भूमि मतलब राजकीय भूमि। राजकीय भूमि से तात्पर्य राजा के अधीन, ठीक है। आगे देखो, अलाउद्दीन से राजस्व का ढांचा पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोह का नियंत्रण के लिए उसने चार आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, कालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर क्या करना, राजस्व में वृद्धि करना, ठीक है। दिल्ली में मद्य निषेध का मतलब मदिरा पान का निषेध किया गया। आप याद रखिएगा कि दिल्ली के शासन काल में खिलजी वंश के समय है ना, मद्यपान को किसके समय निषेध किया गया, मतलब बंद करवाया गया, तो वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या दामाद था, ठीक है। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप रोकना, मतलब जो धनाढ्य लोग थे, अमीर लोग थे, उनके परस्पर मेल मिलाप को रोकना, ये भी उसमें शामिल था। उसने खलीफा को मान्यता देते हुए उसने खलीफा की सत्ता को, खलीफा कौन, धर्मगुरु। मुस्लिम संप्रदाय में जो खलीफा जिसको कहा जाता है, जो धर्मगुरु, और उसी को राजा मान लिया जाता है। तो देखो आप, उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। खजाइन उल फतू में, अब देखो आप, खजाइन उल फतू के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। आपसे पूछा जा सकता है कि खजाइन उल फतू के लेखक कौन है, तो है अमीर खुसरो। खजाइन उल फतू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खजाइन उल फतू के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। खजाइन उल फतू के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतू में क्या लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है कि विश्व का
अमीर खुसरो ने कहा विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। विश्व का सुल्तान और दूसरा क्या उपनाम दिया, एक तो विश्व का सुल्तान का, एक का इसके लिए जनता का चरवाहा। दो उपनाम दिए और किनके माध्यम से दिए, खजाइनुल फतु के माध्यम। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि खजाइनुल फतु के लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतु जो है ना इसका इसकी पुस्तक है उसमें इसको क्या कहा, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा कहा। आगे देखिए आप, और सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया गया। सुल्तान ने पुलिस गुप्तचर, सुल्तान कौन, अलाउद्दीन खिलजी, उसने पुलिस गुप्तचर डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में क्या किए, कई बड़े सुधार किए। सब महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। सबसे महत्वपूर्ण जो है उसके राजत्व सिद्धांत में महत्वपूर्ण अगर बात आती है अलाउद्दीन खिलजी की, वह है बाजार नियंत्रण प्रणाली या राशनिक प्रणाली जिसको हम कह सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो पैरों बदलता है अलाउद्दीन खिलजी का वह था बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसका दूसरा नाम है राशनिक प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, जिसको हम जो है दूसरा नाम क्या है इसका, या राशनिंग, राशनिंग प्रणाली। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए इंपॉर्टेंट है, टेंथ क्लास के लिए भी और कंपटीशन क्लास के लिए भी, दोनों के लिए अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा फेर बदलता अपने राजस्व सिद्धांत में बाजार नियंत्रण प्रणाली या उसका दूसरा नाम है राशनिंग प्रणाली। आगे देखो, दीवाने रियासत, इसमें देखो क्या क्या बाजार नियंत्रण प्रणाली में कौन कौन अधिकारी नियुक्त किए। एक तो दीवाने रियासत मतलब व्यापार का नियंत्रण, दीवाने रियासत क्या काम करता था, बाजार को नियंत्रण रखता था, ठीक है। शाहना या दंडाधिकारी, शाहना या दंडाधिकारी का कार्य क्या था, बाजार का दरोगा, मतलब बाजार का दरोगा था, ठीक है। मोतशिब मतलब जनसाधारण का रक्षक, ठीक है, एवं नापतोल का निरीक्षक, जनसाधारण का भी रक्षक था और नापतोल का निरीक्षक था, कौन, मोतशिब। आगे देखो, बरीदे मुवालिक मतलब गुप्तचर अधिकारी था, आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को क्या किया, इसने अपने राजत्व सिद्धांत में बिल्कुल मजबूत ढांचे पे खड़ा कर दिया। उसने अपनी विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार की। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी, उसके रखरखाव के लिए उसने क्या किया, आर्थिक सुधार किया, मोल भाव सुनिश्चित किया। पहली चीज तो वस्तुओं के बदले वस्तु न देकर किसी वस्तु का जो है मोल भाव निश्चित किया, कॉन्स्टेंट किया, नियत किया, ठीक है। सुल्तान ने काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया, ठीक है। सराय अदल, आप देखो इसका एक बाजार में जो राशनिक प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसमें सराय अदल किसको कहते हैं, स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार। सराय अदल, ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का यह भी महत्वपूर्ण है प्रकार, उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या किया, सराय अदल, सराय अदल। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है बाजार प्रणाली या राशनिक प्रणाली किस प्रकार की थी। उसने एक विभाग अलग से बनवाया जिसका नाम था सराय अदल, जो स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार था। सराय अदल क्या था, स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का क्या था, बाजार था। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सैनिकों को क्या दिया, नगद वेतन दिया। बात आ जाती है कि भारत के संदर्भ में कौन सा शासक था जिसने नगद वेतन किसको दिया, सैनिकों को, ठीक है, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है, उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई किला अथवा कोशे के सीरी बनवाया। 1303 में उसने क्या किया, अलाई किला बनवाया, और जिसको हम कह सकते हैं कोशे के सीरी भी कह सकते हैं।
जिसके सात द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी क्या बना, शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया। किसने किसने रद्द कर दिया, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। किसके आदेशों को, अलाउद्दीन खिलजी के आदेशों, और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। स्वयं को क्या कर दिया, खलीफा, मतलब धर्मगुरु सहित राजा उसको अपने आप को मान लिया उसने, ठीक है। और स्वयं को खलीफा घोषित कर वल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की, वल उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह क्या बना, सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद कौन शासक बना, नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो खिलजी वंश का क्या था, अंतिम शासक था, निर्बल शासक था, ठीक है। और इसमें ने आपको बता दिया खिलजी वंश किस प्रकार था, कि जलालुद्दीन खिलजी प्रथम शासक हुए, उनके दामाद या भतीजे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने रणथंभौर को कब जीता और चित्तौर को कब फतेह करके अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। अलाई किला या कोसे के सीरी का निर्माण कब करवाया, सराय अदल अर्थात स्थानीय और विदेशी वस्तुओं की बाजार प्रणाली कैसे इन्होंने बनाई, नगद वेतन सैनिकों को दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अमीर खुसरो के द्वारा खजाइन उल फतु जो उनकी रचना थी, है ना, अमीर खुसरो की, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा ये भी कहा गया, ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया ना। और द्वितीय सिकंदर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो आप ये चीजें ध्यान रखो कि कौन कौन चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम तुगलक वंश पढ़ते हैं। धन्यवाद।